शक्त्यायुक्त यदि भवति शक्त प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पन्दितुमपि अतः स्वामाराध हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणतुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्य प्रभवति। सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता नमः तस्से नमः तस्से नमः तस्से नमो नमः। पापू माँ भयानक क्यों है? ये भयानक नहीं है ज्योति, ये तो साक्षात दया की देवी है।
कई युगों पहले दैत्यों का संहार करने के लिए ही माँ ने अपना ये प्रचंड रूप धारण किया था। इस तरह काली माँ का क्रोध बढ़ता गया, यहाँ तक कि इनके रौद्र को शांत करने के लिए जब देवगण भी निराश हो गए तो भगवान शिव जी स्वयं काली माँ के चरणों के नीचे आ गए। ये देखकर काली माँ का क्रोध शांत हो गया और शिव जी के आदेश पर काली माँ सारे जगत के प्राणियों के लिए ममतामयी माँ के रूप में परिवर्तित हो गई।
काली मैया के आदेश पर रानी रासमणि ने कालिकापुरी कलकत्ता में गंगा के पूर्वी किनारे पर दक्षिणेश्वर गांव में काली माँ के इसी करुणामयी रूप वाले दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये दक्षिणेश्वर मंदिर वाली काली माँ ही साक्षात काली हैं। एक बार माता के परम भक्त रामकृष्ण परमहंस करुणामयी काली माँ के दर्शनों के लिए आतुर हुए और माँ के हाथ से खड़ग लेकर आत्म बलिदान करने के लिए तैयार हुए। करुणामयी माँ ने अपने प्रिय पुत्र की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए साक्षात दर्शन दिए और माँ ने कहा, प्रिय पुत्र रामकृष्ण, तुम्हारा जन्म जगत के दुखी लोगों के कल्याण के लिए हुआ है। इस तरह जीवन का अंत करने के लिए नहीं, तुम्हारे माध्यम से मैं इस कलयुग में धर्म का प्रकाश फैलाऊंगी और संसार के कष्ट से पीड़ित प्राणियों को करुणा का वरदान देकर उनका दुख दूर करूंगी। तू काली मैया में ही अपनी माँ के दर्शन करना। जन्म देने वाली जननी से कहीं अधिक ये माता अपने बच्चों से प्यार करती है। वो हर बालक को अपनी दया का दान देती है जो सच्चे मन से इसे अपनी माँ समझता है। बेटी, तू कुछ कहे या ना कहे, इसको सब मालूम है। हाँ, ये तेरे दुखों को जानती है, तेरे संकटों का अनुभव है इसको, इसलिए सच्चे मन से इसकी भक्ति करना, इस पर विश्वास रखना, इसकी भक्ति से कभी मुंह ना मोड़ना। अब काली मैया ही मेरी माँ है, मैं इसकी जीवन भर पूजा करती रहूंगी, इसकी भक्ति करती रहूंगी। लेकिन बापू, छोटी माँ मुझे हर वक्त मारती क्यों रहती है, मुझे सताती क्यों रहती है? पद्मिनी, शिकायत न कर, चल अभी तेरी खबर लेती हूँ। पुष्पा, 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 जरा तो तरस खाओ इस बिन माँ की बच्ची पर। जब देखो इसे मारती डांटती रहती हो, तुम्हें जो कहना मुझसे कहो, मैं इसे समझा दूंगा। तुम क्या समझाओगे इसे, जो खुद नहीं समझते कि घर का खर्च कैसे चलता है। तुम्हारी मास्टरी की कमाई से तो मेरे रसोई का खर्च तक नहीं निकलता। अरे 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 अरे, कभी तो दो शब्द प्यार के मुंह से निकाल लिया करो। जब देखो सुबह शाम जहर उगलती रहती हो। मैं जहर उगलती रहती हूँ? क्या मैं नागिन हूँ? अगर ऐसा ही था तो दूसरी बार शादी करके क्यों ले आए थे मुझे? अब तो मेरा अपना पति मुझे नागिन कहता है। क्या कहा पुष्पा? मेरे दामाद जी ने तुझे नागिन कहा? अजी, क्यों दिन रात कांटे चुभोते रहते हो मेरी फूल सी बच्ची के? कितने अरमानों से ब्याह था मैंने अपनी बेटी को, पत्नी गुजरने के बाद तुम्हारी दुनिया सूनी हो गई थी, सोचा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लूं। लेकिन आप मुझे गलत समझ रही हैं माँ जी, मैंने दूसरी शादी इसलिए की थी ताकि इस बिन माँ की बच्ची को माँ का प्यार मिल सके। इस पर तरस खाओ पुष्पा, इसके साथ हमदर्दी से पेश आओ। बस बस, अब बंद कर दो ये उपदेश। आगे एक शब्द भी कहा तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ, अरे नहीं नहीं, रोते नहीं मेरी बच्ची, रो मत, चुप हो जा। अरे हाँ, कल तो तेरे इम्तिहान का रिजल्ट आने वाला है ना, हा? और मुझे पूरा विश्वास है कि तू अव्वल दर्जे में आएगी। अब तो हंस दे, हंस दे, हंस दे, हंस दे। पिताजी, पिताजी, ये देखिए मैं अव्वल नंबर में पास हुई हूँ। अरे वाह, आपने कल कहा था ना मैं अव्वल नंबर में पास होंगी। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश, जीती रहो जीती रहो। अरे सुनती हो पुष्पा, देखो हमारी बिटिया ने मेडल हासिल किया है। मेडल हासिल किया है तो मैं क्या करूँ, तुम ही इसे गले में लग कर घूमो और गांव वालों को दिखाओ। लेकिन मैं कह देती हूँ, अब ज्योति आगे नहीं पड़ेगी, जितनी इसकी पढ़ाई होनी थी सो हो चुकी, अब ये होशियार हो चुकी है, घर का सारा काम करेगी। मुझ अकेली से तुम्हारे घर का काम नहीं होता। इतनी कठोर ना बनो पुष्पा, इस बेचारी के सामने इसकी पूरी जिंदगी पड़ी। आजकल के जमाने में अनपढ़ लड़की की कोई कीमत नहीं, यहाँ तक कि किसी भले घर में इसकी शादी भी नहीं होगी। इस के सामने मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? अब तो मेरी भी जिद है, अगर मुझे इस घर में रखना चाहते हो तो ज्योति नहीं पड़ेगी, हरगिज नहीं पड़ेगी, समझे? क्या हुआ बेटी? माँ, सब सामान बांध दो, हम लोग गाँव जा रहे हैं, चलो। नहीं छोटी माँ, घर छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारा सारा काम करूंगी, तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। घर छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ कर दो बापू। पिताजी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, जो माँ कहेगी वो घर का सारा काम करूंगी। Thank you.
चलो रमेश बेटा। लेकिन नानी माँ हम जा कहाँ रहे हैं? मेरे घर, चलो। ठीक है ठीक है, तुम जीती और मैं हारा। इस तरह यूं घर छोड़कर चली जाओगी तो गांव वाले क्या कहेंगे? जरा घर की इज्जत का तो ख्याल रखो। मान जाओ ना छोटी माँ, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अरे जब ज्योति कह रही है कि स्कूल नहीं जाएगी तो क्या, अब अपनी जिद छोड़ भी दे। चल बेटी चल आ जा अंदर। चल चल। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तुझे घर पर ही पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, ग्रेजुएट बनाऊंगा। काली मैया हमारी मदद करेंगी। अच्छा हुआ इसने स्कूल जाना छोड़ दिया, अब हमें तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सारा काम ये कलमुई करेगी, हम तो चैन से बैठेंगे। ले माँ। अरे बर्तन मांजने मेरी नाटक कर रही है, थकने का दिखावा कर रही है, ऐसी मरी मरी बर्तन मांजेगी तो कल सुबह तक भी साफ नहीं होंगे बर्तन। अभी मांजे देती हूँ छोटी माँ। अरे मेरे सामने जबान चलाती है? अरे अगर यूं मरी मरी हाथ चलाएगी तो ये कपड़े कब धुलेंगे कल मुही? देख अगर ये सारे कपड़े समय पे नहीं धुले ना तो तेरा वो हाल करूंगी कि देखना फिर तू। अभी धो ही नहीं। चल जल्दी कर, चल आ जा बेटी। मामा ज्योति ने मेरी किताब फाड़ दी। क्या? अरे ओ ज्योति, तेरा स्कूल बंद कर दिया तो तूने इसकी किताब फाड़ दी? नहीं माँ, मैंने इसकी किताब नहीं फाड़ी। नहीं माँ ज्योति झूठ बोल रही है, इसने मेरी किताब फाड़ी है। नहीं नहीं मैंने नहीं फाड़ी, मैंने उसे देखा भी नहीं है। ये झूठ, चल माफी मांग भैया से। अरे मांग क्या माफी, चलो। क्यों नहीं देख रही है ना मेरे साथ कैसा जुल्म हो रहा है? मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, मुझे शक्ति दो माँ, मुझे शक्ति दो कि मैं घर का सारा काम कर सकूं और तेरी तेरी दिन रात सेवा भी कर सकूं। खा ले मेरे बेटे। माँ मुझे भूख नहीं है। नहीं बेटे देख कितना दुबला हो गया मेरा बच्चा, खा ले खा ले। मेरा प्यारा बेटा। माँ माँ मुझे खाना दो ना, मुझे भी भूख लगी है। हे राम, शांति से पेट भर के खाने भी नहीं देती, भूख कट गई की जब देखो खाना ही मांगती रहती है। जा बाद में देती हूँ, जा ना खा ले मेरे बेटे। अरे खा ना मेरे बच्चे, मेरा अच्छो ना मेरा प्यारा बछड़ा, मेरा बेटा, खा ना ना कितना अच्छा है ना, खीरे खीर खा खा मेरा बेटा। उधर बैठ के घुर घुर के क्या देख रही है, जब से मेरे बेटे के खाने पर नजर लगा रही है, चला इधर। अपने पेट में भूख की कई की खा लिया बेटा, पेट भर गया।
ज्योति, बेटी खाना नहीं खाया? बापू मेरी तो भूख ही मर चुकी है, अभी तो मुझे बहुत सारा काम करना है ना। दूध पी ले। आप कितने अच्छे हो बापू। अरे इधर से साफ कर, इधर से। अरे माँ, माँ क्या है बेटे? देखो उसने मेरे पैर गंदे कर दिए। क्या है, क्या है ये? करम जली अंधी। अरे क्या करती हो तुम? उदास मत हो बेटी। अरे ये देख, मैं तेरे लिए कितनी किताबें लाया हूँ, मैं तुझे घर पर ही पढ़ाऊंगा, पढ़ेगी ना? सो सीताज मदर, सीताज मदर स्टेड एट द नेबरहुड हाउस, स्टेड एट द नेबरहुड हाउस द होल नाइट, द होल नाइट। गोपाल एंड सीता वोक अप एंड गॉट रेडी, गोपाल एंड सीता वोक अप एंड रेडी And they had their bath. And they had their bath. Very good. आओ बेटी, आओ। तुमने मुझे याद किया? माँ मत रो बेटी, मत रो। रोने से किसी का कोई दुख दूर नहीं होता। तो मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ, तू ही बता मुझे। संसार में किसी का कोई दुख मुझसे छुपा नहीं है, तेरे मन की हर बात को मैं जानती हूँ। तुम सच कह रही हो माँ? हाँ बेटी, मंदिर में रहने वाले भगवान और देवी देवता उनकी मदद करते हैं, जिनके मन में श्रद्धा विश्वास और भक्ति की ज्योति जगमगाती है। अपने आप पर और मेरी दया पर भरोसा रख बेटी, फिर संसार के सारे दुख तू हंसते हंसते सह लेगी, तेरे सारे दुख सुख में बदल जाएंगे। याद रख, मैं सदा तेरे साथ हूँ। मेरी काली माँ तुम कितनी अच्छी हो, अब मैं किसी से नहीं डरूंगी, सारे दुख हंसते हंसते सह लूंगी। जब तुम मेरे साथ हो तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। जय काली माँ। ये फूल तो कल रात माँ ने मुझे सपने में दिया था। अरे नहीं, वो सपना थोड़ी था, वो तो हकीकत था। माँ ने मुझे दर्शन दिए। हाँ माँ ने मुझे सचमुच दर्शन दिए। मैं अभी जाके बापू को बताती हूँ। बापू, 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 बापू। अरे क्या कर रही है? अरे वाह, आज हमारी बिटिया रानी बहुत खुश है, क्या बात है? पिताजी पिताजी ये देखो, कल रात माताजी ने मुझे फूल दिया था, वो कल रात सपने में भी आई थी और उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें भी की थी। क्या काली माँ से बात की? हाँ बापू। क्या बात की, जरा हमें भी तो बता। उन्होंने मुझसे कहा है कि वो हर दुख और तकलीफ में मेरा साथ देंगी और मुझे संकट से बचाएंगी। सच बेटी, ये सुनकर मेरी आधी चिंता कम हो गई कि काली माँ पर तेरा विश्वास पक्का हो गया है। हाँ बेटी, काली मैया ही हमारा सहारा है। भैया, आज राखी का त्योहार है ना, मुझसे राखी बंधवाओगे? हाँ बहना, जरूर बंधवाऊंगा, तुम तो सचमुच काली माता की बेटी हो।
के दिन तुझसे राखी बनवाकर मैं अपने बेटे का साल नहीं खराब करना चाहती। अरे जादू गर्मी, कहीं हमारे बेटे पे जादू ही ना कर दे। और चल क्या? चल बेटे। माँ, अब मैं किसे राखी बंधु? माँ, माँ, आज राखी का पवित्र त्योहार है। अगर मेरा कोई भाई नहीं है पर राखी किसे बांधूं? माँ, माँ, मुझे भाई दे दे, या तो मुझे अपने पास बुला ले। मुझे एक भाई दे दे माँ, मुझे एक भाई दे दे। उठो बहना, मैं आ गया हूँ। तुम्हारा भैया? मेरा भैया? हाँ। तुम्हें किसने भेजा है? तुम रो रही थी ना, इसलिए माँ ने मुझे भेजा है। कितनी दयालु है माँ। आज राखी का त्योहार है ना, क्या तुम मुझे राखी नहीं बांधोगी? हाँ भैया, जरूर बांधूंगी। अब तुम हर साल मुझसे राखी बंधवाने आओगे ना? जरूर आऊंगा। तुम कितने अच्छे हो भैया। ये लो बहना, मेरी तरफ से राखी का उपहार। भैया, भैया तुम कहाँ चले गए भैया? माँ, तू कितनी अच्छी है, कितनी दयालु है तू। तूने मेरे लिए भाई भेजा।
दक्षिणेश्वरी काली माँ दक्षिणेश्वरी काली। भैया भैया तुमने मुझसे राखी बंधाई, मेरे साथ काली माँ की पूजा भी की, मगर तुमने अपना परिचय ही नहीं दिया। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? क्या बताओ, तुम मेरी बहन, मैं तुम्हारा भैया और ये हम दोनों की माँ हैं। इसी ज्यादा और क्या तुम जानना चाहती हो? भैया तुम अपना नाम तो बताओ। तुम मेरा नाम जानना चाहती हो तो सुनो, मेरा नाम कालीचरण है, मैं काली के चरणों का दास हूँ। जब कोई भक्त दुखी होता है तब मुझे काली माँ उसके पास भेज देती है, समझी? एक बात ध्यान में रखना बहन, जो कोई सच्चे मन से काली माँ की पूजा करता है वो कभी दुखी नहीं रहता। अब मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी भैया। जय काली माँ। अरे हमारी बिटिया रानी ये क्या कर रही है? मैं काली माँ के लिए खीर बना रही हूँ। काली माँ के लिए? हाँ, आज दुर्गा अष्टमी का त्योहार है ना, इसीलिए मैं अपने हाथों से काली माता को खीर पिलाऊंगी। शाबाश, पिला दे। ये खीर कहाँ ले जा रही है? काली माँ को पिलाने। अरे ये तुम्हारी काली माँ कब से खीर खाने लगी? चटोरी, खुद खाने के लिए काली माता को खिलाने का बहाना कर रही है? हा? वो तो मिट्टी की मूरत है, वो भला खीर कैसे खाएगी? नहीं नहीं मैं ऐसा मत कहो, मेरी काली माँ जरूर खीर पिएगी, आज दुर्गा अष्टमी का त्योहार है ना। लेकिन देखो पुष्पा, आज अष्टमी का त्योहार है, अगर ये माँ को खीर का भोग लगाना चाहती है तो लगाने दो, तुम्हारा क्या जाता है? अच्छा तो मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी काली माँ खीर कैसे खाती है। जाओ बेटी खिला दे। हाँ जाओ। माँ आज मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है, तू पिएगी ना? माँ पी ना। क्यों नहीं पीती? माँ पी ना, आज मैंने अपने हाथों से बनाई है ना। माँ बापू कहते थे कि रामकृष्ण के हाथों से तुम रोज खाना खाती थी, तो आज मेरे हाथों से क्यों नहीं खाती हो? खाओ ना माँ, खाओ ना। माँ ने खीर पी ली। ओ माँ तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरी बात सुन ली। माता तो सचमुच खीर पी गई। देखो माँ ने सब पी लिया। माँ ने सब पी लिया? काली माँ के मुँह को थोड़ा सा खीर लगा दी और पूरा खुद हजम कर ली। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जरी, झूठी कहती। अरे बापू माँ ने खीर पी ली, मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ बापू माँ ने खीर पी ली। अच्छा बेटी, मैं जिंदगी भर माँ की उपासना करता रहा लेकिन मेरे हाथों से माँ ने कभी खीर नहीं पी। तू धन्य है बेटी, धन्य है तू। देरी से आजा आजा। इस काली माँ की मूर्ति की वजह से हमें बदनामी उठानी पड़ी, इसी को उठा के बाहर फेंक देते। मुझे छोड़ के तू कहाँ चली गई? बापू, बापू। क्या हुआ बेटी? देखो ना बापू,
गई मुझे छोड़ के? माँ तू कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? तू कहाँ चली गई माँ? माँ तू जहाँ कहीं भी है वापस आ जा, पर ना मैं सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी माँ, अपनी जान दे दूंगी, जान दे दूंगी अपनी माँ, अपनी जान दे दूंगी। शांत हो जा बेटी, मैं मर जाऊंगी, शांत हो जा, मर जाऊंगी, लौट आएगी, हाँ माँ मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं मेरी बच्ची, ज्योति उठो बेटी उठो। पिताजी देखिए माँ आ गई। पिताजी माँ जी यकीन था ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। माँ आ गई पिताजी। जय काली माँ। I'm not afraid.
झुक झुक जो बेटी, सदा सुखी रहो। कितना अच्छा भजन गाया तुमने काली माँ की प्रार्थना में। कौन हो तुम? मैंने इन्हें पहचाना नहीं। ठाकुराइन, अपने गांव के स्कूल मास्टर की बेटी है। अच्छा, बड़ी होनहार है। काली माँ की परम भक्त भी है ये। काली माँ तुम्हें सदा सुखी रखे। मुझे आज्ञा दीजिए, माँ इंतजार करती होगी, बहुत काम पड़ा है। अच्छा जा। देखा सुलक्षणा, कितनी सुंदर और सुशील लड़की है ये। अपनी माँ बाप के कितने अच्छे संस्कार पड़े हैं इस पर। अपनी माँ का कितना ख्याल रखती है। और एक तू है, जब भी मंदिर आने के लिए कहती हूँ तो टाल जाती है। क्या माँ, जब देखो मुझे डांटती रहती हो, मेरी गलतियां निकालती रहती हो। तुम्हारे साथ मंदिर तो आई हो ना। अच्छा अच्छा, चल पूजा कर लेते हैं। माँ, काली मैया, आप तो सब पर कृपा करती हो माँ। मेरे बेटे मंगल पर भी कृपा कर दो माँ, उसके भटके हुए मन को शांति दो माँ। माँ, आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, बस एक ही विनती है माँ, मेरे मंगल पर दया करो, उसके भटके हुए मन को शांति दो माँ, शांति दो। इंजेक्शन मिल गया, इंजेक्शन लगाऊंगा। अब डॉक्टर पागल है, तुम सब पागल हो। डॉक्टर पागल है, डॉक्टर पागल है। मेरे पीछे मत आना, मेरे को इंजेक्शन मार दूंगा। इंजेक्शन, डॉक्टर को इंजेक्शन लगाऊंगा। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े। ये क्या हो रहा है? चल, अरे बिजा, इंजेक्शन इंजेक्शन लगा, चल घोड़े, चल घोड़े। अरे मंगल बेटा, बेटा, अरे क्या हो रहा है? माँ, ये सब पागल है, ये पागलों के बीच मुझे फंसा दिया है। माँ, मैं पागल नहीं हूँ, ये पागल, ये पागल, ये पागल। तू तो मेरा लाडला बेटा। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ। डॉक्टर साहब आपको कुछ नहीं करेंगे। पक्का? आओ मेरे साथ आओ। चल इंजेक्शन लगाऊंगा। और सबकी हालत बिगड़ती जा रही है। पागल पागल पागल, ये सब पागल है, ये मेरी माँ को पागल कर देंगे। ये शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ। डॉक्टर साहब आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये मेरी बात नहीं माँ। बहना, तू अकेली है ना, तू ही सिर्फ मुझे समझती है, बाकी सब तो मुझे पागल समझते हैं। मैं पागल हूँ? नहीं। नहीं ना, नहीं ना, नहीं। देखा, चल चल चल, पागल कहीं का। डॉक्टर साहब, क्या मेरा बेटा मंगल कभी ठीक नहीं हो सकता? मैं तो इनके इलाज से हार चुका हूं ठाकुरायन जी। अब तो बस एक ही तरीका है कि इन्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए। नहीं, आजकल इस बीमारी के लिए नए नए ट्रीटमेंट आ चुके हैं, दो चार महीनों में ठीक हो जाएंगे। नहीं डॉक्टर, नहीं, मेरा बेटा मंगल पागल खाने कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। मैं उसके लिए अपनी जायदाद की सारी पूंजी लगा सकती हूँ, आप उसके लिए महंगे से महंगा इलाज कीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन लेकिन मेरा मंगल पागल खाने कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। ठीक है, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा, मैं चलता हूँ। काली माँ, ठाकुरायन जी, ठाकुरायन जी, निराश ना होइए, निराश ना होइए। माँ, पाए लगू माँ। अरे आ गई महारानी जी, कितनी देर लगा दी पूजा करने में, यहाँ तो भूख से हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे कब पकाएगी खाना? अभी दो मिनट में बना देती हूँ। अरे ये तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है, पूरे तीन घंटे लगाती है खाना बनाने में। जिस दिन से रसोई संभाली है, हमारी तो भूखो मरने की नौबत आ गई है। पुष्पा, ओ पुष्पा, अरे आज तो हमारी ज्योति बिटिया ने कमाल कर दिया। अरे और कौन सा तीर मार दिया आज इसने? अरे आज इसने वो कमाल किया है जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। प्राइवेट से बीए का एग्जाम दिया और सारे इलाके में फर्स्ट आकर खानदान का नाम रोशन कर दिया इसने। ये देख बेटी। ये सब तो आपके आशीर्वाद का फल है। अरे चल पगली, आशीर्वाद नहीं, ये तो माँ काली का उपकार है। जय माँ।
माँ माँ ये देखो माँ, माँ मैं पास हो गई, माँ मैं भी ये पास हो गई। माँ तुम खुश हो ना, तुम मुझे खुश देखना चाहती थी ना, देख माँ आज मैं सफल हो गई, माँ मैं पास हो गई। ज्योति बाबूजी। जीती रहो बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं चाहती हूँ मैं आगे बढ़ूंगी और आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अरे नहीं नहीं बेटी, अब तो मुझे तेरी शादी की फिक्र करनी है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरी लाडली डोली में बैठ कर जाएगी। नहीं बापू, मैं शादी नहीं करना चाहती, अगर मैं शादी करूंगी तो आपकी देखभाल कौन करेगा और फिर माँ घर का सारा काम संभाल नहीं पाएगी। कितनी सयानी हो गई है मेरी बेटी। नमस्ते ठकुराइन जी। नमस्ते, आपके दर्शन हुए मैं धन्य हो गई। क्या बात है, आज आप कुछ दुखी नजर आ रही हैं। पुष्पा, कितने दिनों से बड़ी आशा लेकर मैं माँ के दरबार में आती हूँ, पता नहीं मेरी प्रार्थना कब सुनेगी वो और मेरा बेटा मंगल कब ठीक होगा। ठकुराइन जी, यही है वो ज्योति की माँ जो उस दिन हमें मिली थी। तुम ही ज्योति की माँ हो? जी। तुम्हारी बेटी कितनी सुंदर और सुशील है, उसे देखकर ऐसा लगता है काश वो मेरी बहू होती। आपको बहुओं की क्या कमी, आप तो ठकुराइन हैं, हम तो बहुत गरीब हैं। मेरे पति मास्टरी करके घर का खर्च चलाते हैं, कहाँ आप और कहाँ हम। नमस्ते। नमस्ते। रमेश ये क्या बदतमीजी है, गांव की बहु बेटियों की इज्जत पे हाथ डालते शर्म नहीं आती? शर्म तो इसे आनी चाहिए, न जाने कितने दिनों से ये खुद ही मुझ पे डोरे डाल रही है। नहीं नहीं बहन, ये कमीना मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है, मुझने क्या ये छोड़। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, मुझे आज तुम्हारी असलियत का पता चला कि तुम चरित्र से ही नहीं इंसानियत से भी गिरे हुए हो। मैं आज ही तुम्हारी शिकायत माँ जी और पिताजी से करूंगी। चलो बहन। तू क्या मेरी शिकायत करेगी, मैं तेरी ऐसी शिकायत करूंगा तेरा घर में जीना मुश्किल कर दूंगा। माँ गरम जली दिखाई नहीं देता, अंधी हो गई क्या? माँ माँ मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। अपना रमेश है ना, उसके लक्षण ठीक नहीं है, वो गांव की बहु बेटियों पर। क्या कहा, मेरे बेटे को बदनाम करने पर तुली हुई है? क्या वो तेरा भाई नहीं? उस पर झूठा लांछन लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? माँ शर्म आ रही है इसीलिए तो कह रही हूँ, आप अभी से उसे रोक दे, नहीं तो न जाने वो क्या क्या गुल खिलाए। बस बस बहुत हो गया नाटक, जा घर जा, बहुत काम पड़ा हुआ है। जाओ। माँ ज्योति ने मेरे खिलाफ कोई शिकायत तो नहीं की? क्यों रे, आवारा गद्दी करता रहता है, गांव के बहु बेटियों के साथ खिलवाड़ करता रहता है, मुझे बदनाम करके छोड़ेगा? नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी कसम मैं सच कह रहा हूँ। मेरी कसम खाता है, मैं तो झूठ बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं जानती हूँ तू ऐसा वैसा लड़का नहीं है, मेरा बेटा है, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अच्छा सुन,
देवीपुर की ठकुराई ने अपने बेटे के लिए अपने ज्योति को पसंद किया है। लेकिन वो तो पागल है। अरे उससे अपने को क्या लेना देना, तुम उनके यहाँ जा और कहना आपके बेटे के साथ हम अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हैं, और उनसे ये भी कहना कि चट मांगे पट ब्याह, और हाँ दहेज में देने के लिए हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं। लेकिन बापू क्या मानेंगे इस बात को? अरे बापू को मनवाना मेरा काम है, तू जा। तो समझो काम हो गया। अब बताना घर पागल के साथ बड़ी आई लाडली बेटी। माँ मेरे भी बाल कंघी करना। माँ मेरे भी कंघी कर। नहीं अच्छा नहीं करेंगे। मैं इसको उठा के ले जाऊंगा, मैं इसे उठा के ले जाऊंगा। चलिए। ठाकुरायन जी प्रणाम। प्रणाम। ये अपने गांव के स्कूल मास्टर शिव प्रसाद के बेटे रमेश है, आपसे मिलने आए हैं। अच्छा बोलो बेटे क्या बात है? माँ जी मैं अपनी बहन ज्योति का रिश्ता लेके आया हूँ आपके पास। रिश्ता? उससे तो आप मिले भी हैं। हाँ हाँ अब याद आया, लेकिन बेटे मेरे मंगल के दिमाग की हालत ठीक नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की वजह से किसी लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाए। जी क्या कह रही माँ जी आप, मेरी बहन पे काली मैया की कृपा है, उसका जिसके साथ रिश्ता तय होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माँ शायद ये ठीक कह रहे हैं, हो सकता है शादी के बाद मेरे भैया बिल्कुल ठीक हो जाए, और वैसे भी भाभी के बिना ये घर बिल्कुल सूना लगता है। हाँ कह दो ना माँ, प्लीज हाँ कहो ना माँ, हाँ कहो ना। हाँ बाबा हाँ, अगर तुम सबकी यही राय है तो काली माँ के भरोसे मुझे ये रिश्ता मंजूर है। रामू। जी मालकिन। अरे जल्दी मिठाई लेकर आ, सबका मुंह मीठा करना है, जा जल्दी जा। अभी लाया। बापू क्या बात है बेटा? मैंने ज्योति के लिए लड़का देख लिया है। लड़का देख लिया? कौन है वो? जमींदार का इकलौता लड़का है, लाखों की जमीन है, करोड़ों की जायदाद है, अपनी ज्योति वहाँ पे राज करेगी राज। क्या सोच रहे हो बापू, मैं ज्योति का भाई हूँ, मैं उसका बुरा नहीं चाहूंगा। मुझे तुम्हारी पसंद पर विश्वास नहीं है बेटा, जब तक लड़के को मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता और ज्योति उसे पसंद नहीं कर लेती, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये रिश्ता होकर रहेगा। क्या आप मेरे बेटे को सामने वालों की नजरों से गिरा देना चाहते हो? फिर उसके वचन की कीमत क्या रहेगी? अब तो ये शादी होकर ही रहेगी, चाहे आप चाहे या ना चाहे। तुम क्या मुझे पागल समझते हो? तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने फूल से एक लौती बेटी को किसी भी अहरे गहरे के गले बांध दूं? इस आवारा की बात सुनकर खबरदार, जो मेरे बेटे को आवारा कहा तो, अगर ये शादी नहीं हुई तो दीवार से अपना सर पटक पटक कर मैं अपनी जान दे दूंगी। पागल हो गई हो क्या, इतनी सी बात के लिए अपनी जान दे दोगी? नहीं ना, ऐसा मत करो। कलमुई तेरी वजह से मुझे इतनी सारी बातें सुननी पड़ी, तेरे बापू ने तेरे भाई को आवारा कहा। बेटी तेरी खुशी के लिए मैं चाहती हूँ कि तुझे अच्छा घर मिले ताकि तू सुखी हो जाए। हम लोग तेरे दुश्मन है क्या? नहीं माँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे से और कोई मेरा इतना ख्याल नहीं करेगा, तुम जहाँ कहोगी वही मैं शादी करूँगी। बापू आप मान जाइए, माँ जो कर रही है मेरे भले के लिए कर रही है। नहीं बेटी, तेरी माँ की बात मैं कैसे मानू? नहीं पिताजी, माँ जो करेगी अच्छा ही करेगी, आप मान जाइए ना, और मेरी चिंता काली माँ के ऊपर छोड़ दीजिए। मान जाइए ना बापू, मान जाइए, हाँ कर दीजिए। ठीक है बेटी,
जैसी मां की इच्छा। मां, तुम चाहती थी ना कि मेरी शादी हो जाए। आज मेरी शादी है मां, लेकिन आज मैं तुमसे विदा ले रही हूं। मुझे तो एक ही चिंता सताई जा रही है, मेरी शादी के बाद तुम्हारी सेवा कौन करेगा मां? और मेरे बापू, मैं ससुराल चली जाऊंगी तो मेरे बापू का ख्याल रखना मां, उन्हें किसी भी तरह का दुख मत होने देना। मैं जानती हूं तुम उनका ख्याल रखोगी। हाँ मां, जय काली मां। बेटी, आज तुम्हारी शादी है ना? ये गहने और कपड़े तुम्हारी शादी के लिए है। माँ, माँ तुम कितनी दयालु हो माँ, तुमने मेरे लिए सुहाग का जोड़ा भेजा। माँ तुम सचमुच बहुत कृपालु हो। बापू, बापू, बापू। क्या बात है बेटी? बापू देखिए ना, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या भेजा है, ये सुहाग का जोड़ा और ये गहने। देखिए बापू, मैं कहती थी ना माँ पर विश्वास करो, वो सब कुछ ठीक कर देगी। देवी माँ ने? हाँ? तो कितनी भाग्यवान है बेटी। तेरा लाख लाख शुक्र है मां, तेरे इस गरीब की लाज रख लो।
सुमिरन हरे दिन रात मैया तेरा कीर्तन शादी नहीं हो सकती। हमारे साथ धोखा हुआ है। मैं एक पागल के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। बेटी बेटी उतार दे ये शादी का जोड़ा। ये शादी नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रहे हैं? एक पागल से ब्याह करके मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा बेटी। पिताजी, लेकिन द्वार पे आई हुई बारात को वापस लौटाएंगे तो आपकी बदनामी होगी। मुझे अपनी बदनामी की परवाह नहीं है बेटी, लेकिन अपनी भूल सी बेटी को एक पागल के हाथ बांध देना ये कोई नेकनामी का काम नहीं है। मैं क्या, कोई भी बाप ऐसा अनर्थ नहीं होने देगा। पिताजी, लेकिन काली मैया ये चाहती है कि ये शादी हो। उन्होंने तो मुझे शादी का ये जोड़ा दिया है। पिताजी, वो मेरी माँ है। कोई माँ कभी ये चाहेगी कि अपनी बेटी मुसीबत में आ जाए? नहीं पिताजी, बताइए कभी ऐसा हो सकता है? मैं जानबूझकर तो शहर नहीं निकल सकता ना बेटी। आप चिंता ना करें बापू, सब कुछ काली मैया पे छोड़ दीजिए। मैं जानता हूं तुझे फंसाने की सारी साजिश रमेश और पुष्पा की है। बापू, सारी साजिशों का हल काली मैया के हाथ में है। वो दुख को सुख में बदल देती है, विष को अमृत बना देती है। इस शादी के पीछे भी उनका कोई शुभ संकेत होगा। वो अपनी बेटी को मुसीबत में डाल सकती है भला? नहीं लंबोदर विघटो विघ्नाशो विनायक सुमृके दुर्गणा दक्षो भालचंद्रद्यारंभे विवाह च प्रवेश निर्गमे तथा संग्रामे संगते चैव विघ्न तस्य जायते। मेरे प्रारंभ करो। ओम
फेरे हो गए, पला चल गई। अरे इच्छा छूटा, कैसी सज रही थी। अरे हाँ माँ, कितने सारे गहने पहनाए थे उसे। लगता है जवाई राजा ने तुमसे छुपा के रखे हुए थे अपनी लाडली बेटी को देने के लिए। हाँ, मैं भी देखती हूँ कैसे ले जाती है। ठीक है ठीक है, देखो तो। क्यों जी, हमें भूखो मार मार के हमारा पेट काट काट के इतने कीमती जेवर बनाए थे अपनी लाडली की शादी के लिए, क्यों। नहीं माँ, ये गहने मुझे पिताजी ने नहीं, काली मैया ने दिए हैं। काली मैया ने दिए हैं, वाह क्या कहने हो। बेवकूफ बना चुकी तुम दोनों बाप बेटी मुझे। इस शादी में घर की पाई पाई लग चुकी है, अब तो कुछ भी नहीं रहा इस घर में। चलो उतार दो उतार दो उतार दो। अरे चलो उतार दो। अरे ये क्या कर रही हो तुम, इतनी निर्दयी ना बनो पुष्पा। लड़की की शादी के गहने भी उतारे जाते हैं क्या। अरे करोड़पति जमींदार के यहाँ भी आई गई अपनी ज्योति, इसे क्या कमी है। इसे तो वहाँ इससे भी ज्यादा कीमती गहने मिलेंगे। हाँ उतार। पिताजी, माँ की इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है, ये लो। लाला अमिका, अरे माँ बेटा कितने अच्छे। बाबू आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। बोल बेटी। मैं मेरी काली भैया को अपनी माँ को यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। बचपन से उसी के सहारे पली बढ़ी हूँ, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। जैसी तेरी इच्छा। आज ये गरीब बाप तुझे खाली हाथ विदा कर रहा है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। बाबू आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटी। ये ले, काली मां को अपने साथ ले जा, ये सदा तेरी रक्षा करेंगी। ठीक से खड़े रहो भैया। वो देखो बहुरानी भी आ गई। ये ए, मेरा घर आ गया। साहब मुबारक हो। चुप 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 बेटी, सदा सुहागन। छोड़ो मुझे, मैं जा रहा हूँ। कुछ नहीं बेटी कुछ नहीं, ये ऐसा ही है। बेटी ये मेरी माँ है, काली माँ। काली माँ हमें भी दर्शन करा, आओ
जरा देखूं तो कितनी अच्छी लगेगी मेरी बेटी, जरा इसे भी पहन के देखो, ये तो और भी अच्छा है। अरे काली माँ की मूर्ति के साथ इतने ढेर सारे कीमती गहने लेकर आई हो, ये तो सब काली माँ की कृपा है। तो तू इसे पहनकर क्यों नहीं आई? हाँ, तेरे सुंदर रूप को चार चांद लग जाते। मैं तुझे पहना देती हूँ। प्यारी लगती हो सच को, तुम हमारे घर के लिए सौभाग्य का वरदान लेकर आई। अरे सोनू, भाई को लेकर आ। नहीं, मुझे कहां जा रही हो तुम? दर्शन करने मुझे आओ बेटे, आओ देखो काली माँ के दर्शन कर, बैठो। हाँ आप उदास मत हो, मेरी काली माँ तो ममता की मूरत है, इनकी ममता की छाव में उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे, मुझे विश्वास है। बहू, मुझे तेरी इसी विश्वास का सहारा है बेटी, इसी विश्वास का सहारा है। और यहाँ क्यों आई हो तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे कमरे में क्यों आई तुम मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं ये तोड़ दूंगा, ये सब तोड़ दूंगा मैं, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये तोड़ दूंगा फूल मैं सब, ये तुम चली जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ यहाँ से, चली जाओ मैं कहता हूँ, तुम चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, ये सब नहीं चाहिए मुझे, ये सब मुझे पागल बना देंगे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मैं ये तोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये सब, नहीं चाहिए। सोनू बेटी, माँ जी कहाँ है? क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हाँ बेटी, बात ही कुछ ऐसी है, जाओ जल्दी माँ जी को बुलाओ। अभी बुला, जाओ जाओ। माँ माँ, अरे आ रही हूँ। क्या बात है सोनू? माँ, धर्मपाल जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझसे क्या बात है धर्मपाल? ठकुराइन जी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। अच्छा, कौन सी? हमारे बहुरानी के कदम इस हवेली में पड़ते ही कन्हैयालाल के साथ बरसों से चला आ रहा जमींदारी का वो मुकदमा हम जीत गए। सच? हाँ। जय काली माँ। हमारे बहू के कदम कितने भाग्यशाली हैं। चुक चुक जो बेटी, तू दो ना हो पोतो फलो, आ मेरे पास बैठ। बैठ बहू। नहीं, मैं ये ठीक हूँ। अरे ये तुम्हारे सर पे निशान, कहीं मंगल ले? नहीं नहीं माँ जी, वो तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे मैं दीवार से टकरा गई थी। हाँ बहू, मैं जानती हूँ सब, मंगल की माँ हूँ ना मैं, मेरी बच्ची, अब इस खानदान की इज्जत सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। आप चिंता न कीजिए माँ जी,
इस खानदान की इज्जत ही मेरी इज्जत है और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे आप जैसी माँ मिली। माँ मैं भैया को दूध देकर आती हूँ। ठहर जा सोनू, मैं जाती हूँ। जा बेटी। माँ भाभी कितनी अच्छी है ना। हाँ बेटी वो तो देवी है। सुनिए चलिए उठिए, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ। नहीं चाहिए। लीजिए। मैं नहीं दूध पीऊंगा। कल रात भी आपने कुछ नहीं खाया। लीजिए दूध पी लीजिए। मैं दूध नहीं पीऊंगा। ये बात है। हाँ। आपको दूध पीना ही पड़ेगा। नहीं नहीं मैं नहीं दूध पीऊंगा। मैं दूध नहीं पीऊंगा। मैं दूध नहीं पीऊंगा। मैं नहीं पीऊंगा दूध। नहीं पीऊंगा। नहीं पीऊंगा। आप चाहे कुछ भी करें मैं हार नहीं मानूंगी। मैं आपको खाना खिला के रहूंगी, दूध पिला के रहूंगी और एक दिन आपको अच्छा करा के रहूंगी। फूल सजा रही हो? जी माँ। सोनू जी तेरे भैया की तो शादी हो गई, अब मुझे तेरी शादी की चिंता लगी रहती है। शादी इतनी जल्दी में क्या है माँ? अरे वाह जल्दी कहा। सोनू तेरे भैया की शादी में मैं कुछ नहीं कर सकी, अब मैं तेरी शादी इतने धूमधाम से करूंगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। और सुन तेरे लिए मैंने लड़का भी तय करके रखा है। क्या? हाँ इससे पूछे बिना लड़का तय कर लिया? और तुझे क्या पूछना। अरे इतना होनहार लड़का है कि चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हाँ माँ जी चाय। हाँ आते हैं चल। अरे किशोर इस तरह छुप छुप के कब तक मिलते रहोगे यार? क्या करूं किशोर? यार अरे लो आ गई। हाय। हाय सोनू। हाय। अरे शादी कर लो हमारे लिए, भाभी आ जाएगी यार। भाभी नटखट कहीं का। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ और एक तुम हो वादा करके भी नहीं आती हो, क्या कोई नाराजगी है क्या? नहीं किशोर ऐसी बात नहीं है, एक तो पहले ही मेरा घर से निकलना मुश्किल था और अब ज्योति भाभी के आ जाने से और भी मुश्किल हो गया है। पता है माँ जी मेरी शादी के बारे में सोच रही है और उन्होंने एक लड़का भी देख लिया है। नहीं सोनू खाना खा ले। मैं अपने हाथ से खाऊंगा, रख दो। माँ माँ मेरी प्यारी माँ। ये क्या कर रही है बेटा तू? ओहो ज्योति इसकी हरकतों का बुरा मत मानना बेटी, तू खाना खा ले। नहीं माँ जी जब तक वो खाना नहीं खाते मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। जिद मत कर बेटी बैठ, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाती हूँ, ला तो जरा। नहीं माँ जी रहने दीजिए। हे माँ तो खा लो खा लो खा लो खा लो। मैं नहीं खाऊंगी।
भूख लगी है, खाना दे दूं? केला खाऊंगा। ठकुराइन जी। हाँ जी। जब से बहुरानी के कदम इस हवेली में पड़े हैं, मैं ये बात महसूस कर रहा हूँ कि कुंवर साहब की तबीयत में कुछ कुछ सुधार होने लगा है। माँ, वो मुझे दूध पिला दी है, बार बार दूध पिला दी है, खाना खिला दिया, मेरा पेट भर जाएगा, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं करते बेटे। डांटना नहीं, डांटना नहीं, हाँ डांटना नहीं। बैठ जाइए, ये लीजिए दूध, पहले बिस्किट खा लीजिए। माँ जी। क्या बात है बेटी? मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। हाँ कहो। अगर आप आज्ञा दें तो मैं कल इन्हें काली माँ के दर्शन कराने ले जाऊं। कल से नवरात्रि का त्योहार है ना? लेकिन बहू वो। आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, मैं उन्हें संभाल लूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा। माँ मैं भी जाऊंगी। अच्छा बाबा तू भी जा। किनारे दरबार है तेरा।
कहाँ हूँ मैं? मैं कहाँ हूँ? तू अपने घर में हो बेटा। हाँ ठाकुरायन जी, मंगल की हालत में तो बहुत सुधार हुआ है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ये चमत्कार हुआ कैसे। दवाओं में तो इतना असर नहीं है। कोई चमत्कार नहीं डॉक्टर साहब, ये सब मेरे बहू के वजह से हुआ है। ये काली माँ की परम भक्त है, इसकी रात दिन की सेवा और भक्ति के कारण ही मेरा मंगल ठीक होने लगा है। अब तो मुझे भी विश्वास होने लगा है कि काली मैया सचमुच दया की देवी हैं। हाँ माँ जी। हाँ बहू। मैं चाहती हूँ कि इन्हें दक्षिणेश्वर काली के दर्शन कराऊं। मेरा विश्वास है कि उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जरूर जाओ बेटी। धर्मपाल जी मालकिन, इन दोनों के कलकत्ता जाने का प्रबंध करो। ये अच्छी बात है। चल बेटी आइए डॉक्टर साहब। अब आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। चुक चुक जियो बहू, दूधो ना हो पुत्तो फलो। मुझे माफ करना बहू, मेरे मंगल के कारण तुझे बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। नहीं माँ जी, ये कष्ट नहीं है। मेरी काली माँ मेरी परीक्षा ले रही है, मुझे विश्वास है मैं इस परीक्षा में सफल हो जाऊंगी। मेरी बच्ची तू कितनी महान है, कितनी महान है बहू। मुझे आशीर्वाद दे दो माँ कि मैं इस परीक्षा में सफल हो जाऊं। ये क्या कर रहे हो भैया? तुम फिर आ गए भैया, सामने बैठे हैं, तुम जाओ यहाँ से। आइए रामू, चाय लेके आओ। अरे वाह चाय। अरे सोनू कहाँ चले गए? लीजिए। इसे बहुत आदमी, मैंने अपनी शादी का पूरा इंतजाम कर लिया, अब ये रोज रोज का छुट्टी मिलना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे शाम में मिलूंगी। सोनू कौन है ये लड़का? भाभी ये किशोर है, मेरे कॉलेज का दोस्त। और हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। अच्छा तो शादी कर लो, छुपने छुपाने की क्या बात है? वही तो मुश्किल है भाभी। क्यों? माँ जी किशोर को अपना दुश्मन समझती है। वो समझती है कि पिताजी के कत्ल में किशोर का हाथ था। वो हम दोनों की शादी कभी नहीं होने देंगे भाभी। सोनू अगर माँ जी ऐसा कहती है तो वो सच ही होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि इसे भूल जाओ, आखिर कर्तव्य का स्थान भावनाओं से बढ़कर होता है। मंगल अरे मैं हूँ बेटे। माँ चाय चाय पी ले। बहू किधर गई? चले जाओ यहाँ से किशोर, प्लीज यहाँ से चले जाओ तुम। बहुरानी, ओ बहुरानी उधर क्या कर रही हो? इधर आओ ना। भाभी मेरी अच्छी भाभी, माँ जी को इस बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो वो मुझे जान से मार देंगे। आपको मेरी कसम भाभी प्लीज। चाय गिर गई। चाय 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 बहू। अरे तुम दोनों वहाँ किससे बातें कर रही थी? कौन था वो लड़का? हाँ माँ जी वो हमारे घर के पास में रहता है, पिताजी ने उसे मेरी खबर लाने के लिए भेजा था। अरे पगली, मैं किसी आए हुए मेहमान को ऐसे भेज दिया? कुछ चाय पानी नाश्ता तो करवा देगी, ऐसे भी क्या जल्दी थी? नहीं वो जरा जल्दी में थे। ठाकुरायन जी हाँ? इन दोनों के कलकत्ते जाने की टिकट आ गई है। अच्छा माँ जी मैं इन्हें दक्षिणेश्वर काली के दर्शन कराऊंगी, फिर ठीक हो जाएंगे।
माँ। हाँ। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि माता के दर्शन करने से भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? हाँ बेटी, महाकाली माँ प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देती है। एक बार जब रामकृष्ण परमहंस जी को माँ ने साक्षात रूप में दर्शन दिए थे, तब उन्होंने माँ के हाथों में जवा कुसुम का फूल और बेल पत्र देकर वचन मांगा था और कहा था कि माँ तुम सदा के लिए दक्षिणेश्वर मंदिर में साक्षात रहोगी, और वो उन्हीं के हाथों से रोज खाना भी खाती थी। सच माँ? हाँ। लेकिन माँ, दक्षिणेश्वरी माता का मंदिर है कहाँ? कलकत्ता में हावड़ा स्टेशन उतरते ही तुम वहाँ से बस या टैक्सी से दक्षिणेश्वर मंदिर जा सकती हो। वही माँ साक्षात रूप में दर्शन देती है। उनके दर्शन करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर मेरी बहू के भक्ति में शक्ति होगी तो मेरा बेटा मंगल अवश्य ठीक हो जाएगा। जय काली माँ।
दयालु हो माँ, तुमने मेरी पत्नी की लाज रखी। माँ माँ तुम धन्य हो, तुम धन्य हो माँ। जय लक्ष्मीश्वरी काली माँ। कैसे चुकाऊंगा? न जाने पागलपन में मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या जुल्म नहीं ढाए तुम पर, क्या क्या दुख नहीं दिए तुम्हें। वो दुख अगर आप नहीं देते तो आज ये सुख का दिन दिखाई नहीं देता। माँ की कृपा से तुम ठीक हो गए हो। माँ ने चाहा था इसलिए हम दोनों की शादी हो गई। मैंने आपकी सेवा की और आज आज माँ ने आपको ठीक कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूं। आज दुख की कोई बात मत कीजिए। ज्योति, आज मुझे इस सुधरी हुई हालत में देखकर माँ कितनी खुश होगी। नहीं, खुशी के मारे फूले नहीं समाएगी। चलिए हम माजी से मिलते हैं। चलो। ठकुराइन जी, ठकुराइन जी, ठकुराइन जी, ठकुराइन जी। क्या बात है धर्मपाल? ठकुराइन जी, हाँ, अपने कुंवर साहब माँ दक्षिणेश्वर काली की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ? और वो बहुरानी के साथ आ भी रहे हैं। हाँ? मंगल, मंगल, माँ, मंगल, माँ, मेरे लाल, माँ, मेरे बेटे, माँ, माँ मैं ठीक हो गया। माँ, माँ मैं बिल्कुल ठीक हो गया। माँ मैं ठीक हो गया। माँ मंगल, ये सब काली माँ की कृपा है। मेरे बच्चे काली माँ की कृपा। माँ मैं, माँ मैं ठीक हो गया। माँ, माँ, माँ सोनू कहाँ? माँ, हाँ, सोनू ऊपर है बेटे। सोनू, मैं सोनू से मिलकर आता हूँ। माँ, सोनू, सोनू, बहू, बहू तुम धन्य हो बेटी, तुम धन्य हो। बहू, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से मेरी मंगल को नया जीवन दान मिल गया। अरे, मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकती थी कि मेरा मंगल कभी ठीक हो जाएगा। मैं तेरी महानता का गुणगान कैसे गाऊं? तुम्हारा ये उपकार मैं कैसे चुकाऊं बेटी, कैसे चुकाऊं? इसे उपकार कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये तो मेरा कर्तव्य था। माँ जी, आज आपको खुश देखकर मुझे सब कुछ मिल गया। मेरी बच्ची। माँ, माँ देखो भैया बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ बेटी, धर्मपाल जी। ठकुराइन। अरे रामू, कमला, अरे जल्दी इधर आओ। धर्मपाल जी, गांव में उत्सव मनाओ, मिठाइयां बांटो। अच्छी बात। मेरा मंगल बिल्कुल ठीक हो गया। आओ बेटे, मैं तेरी नजर उतार दूँ। आज भाभी, मेरी अच्छी भाभी, आज समझो तुम्हारी नई शादी हुई है।
आज तुम्हें अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी, तुम्हारी सेज सजाऊंगी। ओ भाभी, मेरी अच्छी भाभी। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। तमाची, ये चमत्कार कैसे हो गया? बाबूजी, 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 ज्योति सचमुच काली मैया की बेटी है बाबूजी। आज इसकी तपस्या सफल हो गई बाबूजी। इसकी भक्ति की शक्ति से प्रसन्न होकर काली मैया ने मुझे नवजीवन दे दिया है बाबूजी। आज हमारा घर खुशियों से भर गया बाबूजी। पिताजी, माँ कहाँ है? बुलाता हूँ बेटी। पुष्पा जी। अरे पुष्पा, जल्दी आओ, देखो तो सही कौन आया है। कौन है? दामाद जी। अरे दामाद जी, प्रणाम माँ, सदा सुखी रहो। मुझे माफ कर दी बेटी। अरे माँ जी, आप माफी किस बात की मांग रही हैं? अगर आप मेरी शादी ज्योति से न करवाती तो शायद जिंदगी भर मैं पागलों की तरह भटकता फिरता। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा माँ जी। नहीं नहीं बेटे, मेरा आशीर्वाद है बच्चों कि काली माता की छत्र छाया सदा तुम पर बनी रहे। क्या बात है किशोर, काफी परेशान लग रहा है यार। कुछ नहीं यार, आजा चाय पीते। तुम पियो। किसका इंतजार कर रहा है किशोर? यार अभी तक सोनू नहीं आई यार, और वो आएगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि सोनू का भाई जो पागल था आज ठीक होकर घर वापस आ गया है। अगर उसे तुम्हारे और सोनू के प्यार के बारे में मालूम पड़ गया ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या करूं यार जैक्सन, तू ही को रास्ता बता यार। एक काम कर किशोर, आज रात को उसके घर पे जा और किसी भी तरह उसको यहाँ पे उठा के ले आ। बाकी अब तेरे साथ में ना दोस्त। पक्का? हाँ, हम लोग तुम्हारे साथ हैं ना। तुमने इस घर के साथ मेरे मन में भी उजाला फैला दिया है, मेरे पागलपन के अंधेरे को दूर कर दिया। आज मैं समझ गया कि काली मां की कृपा से कोई भी असंभव काम संभव हो सकता है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तू पागल तो नहीं हो गया? नहीं, इस वक्त नहीं, तुम जाओ यहाँ। अरे मेरी बात तो सुनो, फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हालात बदल चुके हैं। कैसे हालात? सोनू, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारे भैया एकदम ठीक हो गए, वो हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे। और तुम्हारी भाभी की इज्जत तुम्हारे घर में और बढ़ गई है, और वो हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा बन चुकी है। कुछ भी हो किशोर, इस वक्त मैं नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं तुमको लेने आया हूँ। छोड़ दो मुझे। क्यों नहीं छोड़ो? मैं तुमको लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ दो मुझे। छोड़ो किशोर, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगा। छोड़ो मुझे। नहीं नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारा। सुनो, चलो देखो, जिद नहीं कर, चलो। छोड़ दो इसका हाथ, ये क्या हो रहा है? मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और उसे ले जाने के लिए आया। मुझे कुछ नहीं सुना, तुम चले जाओ यहाँ से। आओ ज्योति, ये क्या कर रहे हो? मैं आ जाऊँ? छोड़ो, छोड़ो मुझे, पागल तो नहीं हो? यहाँ से छोड़ दो, कोई जुदा नहीं कर सकता। छोड़ दो, कोई जुदा नहीं कर सकता हमें। हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे, अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। चलो ज्योति, मेरे साथ चलो। चलो ज्योति, तुम समझने की कोशिश करो। क्यों क्यों जिद कर रही हो ज्योति? बहू, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। ये लड़का, तू यहाँ कैसे? मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और इसे ले जाने के लिए आया हूँ। नहीं माँ जी, ये झूठ बोल रहा है। नहीं माँ, भाभी झूठ बोल रही है। सुनो, ये क्या कह रही है तू? मैं सच कह रही हूँ माँ। काली माँ की भक्तन बनकर ये तिरिया चरित्र दिखा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। ये सच है माँ। माँ, मैं आज तक इसलिए चुप रही कि आपको और भैया के दिल को चोट ना पहुँचे। ये सब क्या हो रहा है ज्योति? ये सब झूठ है,
मुझ पर ये लोग झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। असल में ये लड़का सोनू का प्रेमी है और इसे जबरदस्ती यहाँ से लेने आया था। मैंने उसे छुड़वाना चाहा तो उसने मुझे ही पकड़ लिया। ये सब झूठ है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे? चल भाग यहाँ से, भाग। वाह भाभी वाह, क्या खूब झूठ बोला है तुमने। मेरे भैया के पागलपन का फायदा उठाकर तुम खुद ही तो छुप छुप कर उससे मिलती रही। उस दिन जो गार्डन में एक लड़का आया था वो यही था, इनसे मिलने आया था, और आज जब इनका पर्दा फाश हो गया तो इल्जाम मेरे सिर पर लगा रही है। नहीं। ज्योति, मैं तो तुम्हें एक देवी समझता था, देवी पूजा करता था तुम्हारी, लेकिन तुमने तो हमारे घर की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया। नहीं स्वामी, आप तो ऐसा मत कहिए। तुम्हारी ये सुंदरता, ये भोलापन, ये पवित्रता, ये काली मैया की पूजा, ये सब एक फरेब था, एक ढोंग था, एक नाटक था, एक दिखावा था। नहीं। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं पागल ही बना रहता। नहीं। कम से कम ये दिन तो देखना ना पड़ता। नहीं। अरे कुलक्षिणी, कलंकिनी, परसों बाद मेरे लाल के नसीब में खुशी के दिन आए थे, क्या वो भी तुझसे देखे नहीं गए? फिर से उसे पागल बनाना चाहते हैं? नहीं माँ जी, हमारे खानदान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके क्या तुझे अभी भी चैन नहीं मिला? जा, निकल जा मेरे नजरों के सामने से, निकल जा। किधर जा रही है कलंकिनी? निकल जा। ये तुम्हें आज क्या हो गया है? बहू रानी जी, वाह मामा, क्या खूब अच्छा सिला दिया है तुमने मेरी पूजा का, भक्ति का। इस दुनिया में आंख खुलते ही मेरी माँ मर गई। बचपन से लेकर जवानी तक मैं सौतेली माँ के ताने सुनती रही। मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी माँ समझा था। शादी का समय आया तो एक पागल के साथ मेरे जीवन की डोर बांधी। मैंने उफ तक नहीं किया। पति की सेवा को ही मैंने अपना धर्म मान लिया क्योंकि मुझे तुम्हारा सहारा था। आज मेरा पति ठीक हो गया, मेरे जीवन में खुशी की एक हल्की सी किरण दिखाई दी, तो तूने वो भी मुझसे छीन ली। क्यों क्यों माँ, आज सारी दुनिया मुझे कलंकिनी कह रही है और आप चुपचाप मेरा तमाशा देख रही है। क्यों माँ, क्यों, बोलिए ना। लेकिन माँ, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने मुझे जीवन भर साथ देने का वादा किया है, आपको अपना ये वचन निभाना होगा, निभाना होगा, वरना मेरा ही नहीं सारी दुनिया का विश्वास आप पर से उठ जाएगा और हमेशा के लिए लोग तुम्हारी पूजा भक्ति करना छोड़ देंगे। बोलो माँ बोलो, ये कैसी परीक्षा ले रही हो तुम? बोलो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बहू रानी बच्चनन कैसे हो सकती है। मेरे पागल बेटे से शादी करके उसने कितनी मुसीबतें उठाई, हमारे जीवन में नई खुशियां लाई, वो बहू बच्चनन कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? क्या सोच रही हो माँ? सोनू, मेरी समझ में नहीं आ रहा है बेटी, आखिर ज्योति ने ऐसा क्यों किया? असली बात क्या है? माँ मैं कुछ नहीं जानती, मैं किशोर से पहले कभी नहीं मिली। क्या हो गया? सोना, मुझे कोई मार रहा है। क्या हो रहा है बेटी? कोई मार रहा है। मार रहा है? अरे माँ, मुझे बचा लो बेटी, मुझे बचा लो। नहीं है कोई है। अरे तुझे वहम हो रहा है बेटी, चुप हो जा। Thank you.
स्वामी। ज्योति, मैं तो ये कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। नहीं ज्योति, इसके पीछे जरूर कोई राज छुपा हुआ है। मुझे बताओ ज्योति, मुझे बताओ, वो कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से तुमने ये सब किया? मुझे बताओ ज्योति, मैं तुम्हारा विश्वास करूंगा। भगवान के लिए सच बोलो ज्योति। मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। किशोर और सोनू के प्यार के बारे में मुझे पहले से मालूम था, मगर मैं ये नहीं चाहती थी कि हमारे खानदान की इज्जत में एक दांत भी लग पाए, इसीलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। कल रात वो सोनू को जबरदस्ती यहाँ से लेने आया था, उसकी चीख सुनकर मैं नीचे आई तो उसने मुझे ही अपने चक्कर में फंसा लिया। वो माची ने देख लिया और वो समझ बैठी। मैं सच कह रही हूँ, काली माँ की कसम खा के कहती हूँ, मैं सच कह रही हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। अगर यही सच है तो सच और झूठ का फैसला किए बगैर मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। अरे घबराते क्यों हो, बैठो खाना खा लो। माँ, माँ देखो मेरे खाने को क्या हो गया, सब मिट्टी पत्थर बन गए। पत्थर? सोनू, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है बेटी। माँ, अब उस चुड़ैल ने हमारा खाना पीना सब हराम कर दिया है। माँ, अब क्या होगा? माँ, अब क्या होगा? मुझे भी लगता है ये जरूर ज्योति की चाल है। अरे ये गैस क्यों नहीं जल रहा है? सोनू, सोनू मुझे लगता है हमारे घर में भूत प्रेत घुस आए हैं बेटी। हाँ माँ, ये माया जाल ज्योति का ही रचाया हुआ है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसे अब हमें घर से निकालना ही पड़ेगा। माँ, अरे ये आटा कैसे गिर गया हम पर? हाँ हाँ सोनू, सोनू मुझे तो लगता है ये सब ज्योति का ही काम है। क्या करें हम बेटी? माँ, आप एक ही रास्ता है, बाबा प्रचंडनाथ के यहाँ चलते हैं, वही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। हाँ, हाँ, चलो बेटी देखते उस चुड़ैल को। जय मां खप्पर वाली, जय हो। जय दुर्गा मां। प्रणाम प्रचंडनाथ बाबा। जय काली मां। ठकुराइन, आप और हमारे पास? हाँ बाबा, हमारी बहू ज्योति ने हमारे घर का सब तहश कर दिया है। हाँ बाबा, उस पर भूत सवार हो गया है, वो पागल हो गई है। उसका पागलपन सिर्फ आप ही दूर कर सकते हो बाबा। क्यों नहीं, अवश्य कर देगी। और क्या क्या किया है उसने? कैसे कहूं, मुझे तो कहते हुए भी लाज आती है, और ऊपर से वो काली माँ की भक्ति का दिखावा कर रही है और अंदर ही अंदर गुल खिला रही है। कैसे गुल खिला रही है? हमें साफ साफ कहो, क्या उसने त्रिया चरित्र दिखाकर तुम सबको मूर्ख बनाया है? हाँ महाराज, और ऐसा लगता है उस पर काली माँ का नहीं किसी भूत या चुड़ैल का साया पड़ गया है। भूत चुड़ैल को आपके सिवा और कौन उतार सकता है महाराज? उसे तो हम उतार ही देंगे। और क्या कहती है वो लड़की? वो बार बार काली मैया का नाम लेती है और अपने आप को काली मैया की बेटी कहती है। काली माँ की बेटी?
देख लेंगे हम उसे, पल भर में उसका पागलपन ठीक कर देंगे। हाँ ले आइए उसे। जय काली मां। बेटी नहीं, ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। नहीं बेटी नहीं, हम तो तुम्हें गुरु जी के पास ले जाने के लिए आए हैं। सच क्या है और झूठ क्या है ये प्रचंड नाथ जी के काली मंदिर में जाकर ही पता चल सकता है। काली माँ स्वयं ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो मैं ये भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। मुझे मालूम है हर पतिव्रता स्त्री का जीवन स्वयं एक परीक्षा होती है, और फिर सीता मैया के साथ भी ऐसा ही हुआ था। राम जी के साथ 14 साल वनवास में उनकी पूजा की, सेवा की, और फिर उनको क्या मिला? जब सुख के दिन आए तो उनको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। ठीक है माँ जी, मैं ये भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। बेटी अगर तू सच्ची है, पवित्र है, तो चिंता करने की क्या बात है? चलो आती हो ना। हेलो सिंह, हाउ आर यू? हेलो, हाय। सोनू को लाने में कामयाब हुआ क्या? नहीं, अरे जान बची लाखों पाए। अच्छा, नहीं तो कल ऐसी धुलाई होती कि बस मर ही जाता यार। हुआ क्या, आगे बोल तो सही। कल रात ज्योति ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, और फिर जानते हो क्या हुआ? मैंने भी गिरगिट की तरह ऐसा रंग बदला कि बस चक्कर ही खा गई। अरे वाह, अच्छा? चक्कर खा गई? बहन ने ज्योति का हाथ पकड़ा और सबके सामने कहा, ये भी मुझसे छुप छुप कर मिलती रही है। आगे क्या हुआ? और सोनू ने भी सबके सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठा शोर मचा दिया, और सती सावित्री ज्योति सबके सामने उल्टा बन गई। तूने मेरी सती सावित्री पत्नी को कलंकित करने की कोशिश की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ चलो, उठ चले, उठ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे तंत्र की स्थिति बैठ जाओ। जय काली मां, फट फट स्वाहा। कुलक्षरी, हमें तेरे सारे प्रिया चरित्र का पता है, अभी तेरा ये पागलपन ठीक करता हूँ। लगा ले अपनी सारी शक्ति, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
ज्योति उठो बेटी उठो। मैं भी धन्य हो गई माँ, तुमने मुझे दर्शन दे दिए, मैं धन्य हो गई। अब मैं यहाँ नहीं जीना चाहती, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ। ऐसे निराशा की बात ना करो बेटी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसका सदुपयोग करो। धन्य हो माँ, धन्य हो। मेरे तंत्र मंत्र की सिद्धि से प्रसन्न होकर तुमने साक्षात मुझे दर्शन दे दिए, मैं धन्य हो गया माँ, मैं धन्य हो गया। मैं तुम जैसे पाखंडी तांत्रिक पर कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। तुमने समझ लिया कि मंत्र तंत्र सिद्ध करके तुमने मेरी कृपा प्राप्त कर ली? ये झूठ है, असत्य है, मिथ्या है। नहीं, ऐसा न कहो माँ, ऐसा न कहो। मेरी बेटी ज्योति को अपने तंत्र मंत्र से ठीक करने का तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। इसने सच्चे मन से मेरी भक्ति करके मेरी कृपा प्राप्त की है। मेरे ये भक्त तंत्र मंत्र से अनजान हैं। ये मेरे शरण में आए हैं, मेरे सिवा इनका कोई नहीं है। इनका और मेरा रिश्ता भावनाओं से जुड़ा है। इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य ही नहीं, मेरी इच्छा भी है। प्रचंड नाथ, मैं तभी तक तुम्हारे साथ हूं जब तक तुम्हारा तंत्र मंत्र दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता। अपने स्वार्थ के लिए मुझसे शक्ति और सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश छोड़ दो। मुझको माँ के रूप में देखो, मैं सारी सृष्टि की माँ हूँ। हाँ, यदि तुम मुझ में माँ के दर्शन करोगे तो मेरी कृपा तुम पर सदा के लिए बनी रहेगी। आज तुमने मुझे साक्षात दर्शन देकर मेरी आंखों पर पड़ा अज्ञान का पर्दा हटा दिया। मेरे दुष्कर्मों के लिए मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे दया का दान दो माँ। अब मैं कभी भी अपने तंत्र सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करूंगा माँ, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो माँ। बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मुझे सप्तशती का पाठ बहुत प्रिय है। जिस घर में इसका पठन किया जाता है मैं वहां सदा वास करती हूँ, और वो घर हमेशा खुशियों से फला फूला रहता है। मैं धन्य हो गया माँ, धन्य हो माँ, धन्य हो। ज्योति, बहू, माँ जी, बहू, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे भूल हो गई। नहीं नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? सच्ची बहू, तुम सच्ची काली माँ की भक्त हो, हम तुम्हें पहचान नहीं सके। हमें माफ कर दो बेटी, हमें माफ कर दो। भाभी, असली गुनहगार तो मैं हूँ, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली। माफी मांगनी है तो माँ से मांगिए, वो जगत माता है। माँ, आपके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके परम भक्त को पहचानने में मुझसे भूल हो गई माँ। अनजाने में मैंने उसे बहुत कष्ट दिया, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। माफी मांग बदमाश। ज्योति बहन, मैंने तुम्हारे तेज को नहीं पहचाना। ज्योति बहन, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। ज्योति बहन, माफी मांगनी है तो माँ दक्षिणेश्वर काली से मांगिए। मुझे क्षमा कर दो माँ,
मुझे क्षमा कर दो। अरे तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया ज्योति। ये तो मां की कृपा है। मां चलो हम सब दक्षिणेश्वरी काली मां के दर्शन को चले। जय दक्षिणेश्वरी काली मां। जय जगदीश्वरी माता महाकाली खल दाता। जय जगदीश्वरी माता महाकाली खल दाता। हे शंभु तोषी शैल सुजाता। जय जगदीश्वरी ऐसी हो काली मैया तेरे जैसी हो।